आप फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाते हैं। अच्छा, जो अपने प्लांट्स हैं बाहर ज्यादा लगाते हैं, जैसे आसपास इस बगीचे में इन्होंने ज्यादा ट्रैप लगाए और बाउंड्री पे ट्रैप लगाए, अंदर बहुत कम ट्रैप लगाते हैं, बस एक दो ट्राई करने के लिए कि वो आए नहीं आए फ्रूट फ्लाई। अच्छा, तो उसका क्या कारण है, बाहर क्यों लगाते हैं? फ्रूट फ्लाई बाहर ही रुक जाए, वो अंदर नहीं आए, अंदर कम से कम आए। अदरवाइज तो अपन उसको फेरोमोन ट्रैप लगा के उसको आकर्षित कर रहे हैं कि अंदर आ जा। और वो पूरी तो कंट्रोल होगी नहीं, उससे तो बहुत कम कंट्रोल होती है। हाँ। इसे एक तो लगाना समय से पहले है। हाँ। अच्छा, कब लगाना चाहिए? मतलब इसमें फ्रूट दिखने लग जाए, ये फ्लावर दिखने लग जाए तभी लगा दो। तो यानी कि जब आप खोल रहे हो इसको लोटरनल को, उससे पहले ही लगा दो तो बढ़िया, उससे पहले ही लगा दो तो ये तो 4-3 महीने तो इसमें देते ही है फेरोमोन का वो कंपनी, तो जहाँ अपने अभी तक तो एक्सपायर नहीं है, वो चल ही रहा है, एक्सपायर नहीं है, चल ही रहा। किस कंपनी का लगवाते हैं आप? ये सागर सीड्स का लगाया। सागर सीड का, और भी किसी कंपनी का आता है? बहुत सारी कंपनी आती है। क्या रेट पड़ती है लगभग? ये 60 रुपए का कैप्सूल है। अच्छा, और वो उसका 10 रुपए का ग्लास, 10 रुपए का वो उसका स्ट्रक्चर, 70 रुपए का एक है। बीघा में कितने लगाते हो? बीघे के हिसाब से लगाता हूँ, बाउंड्री के हिसाब से, बाहर ज्यादा लग जाए इतने लगाता हूँ। अच्छा। इस प्लॉट में जैसे लगभग 40 के आसपास लगा रखे हैं। ये आपके 2 बीघा का है लगभग? लगभग 3 बीघा का। 3 बीघा का है तो 40 लगा रखे हैं चारों तरफ। हाँ, मतलब आपके खेत में नहीं लगा रखा, पड़ोसी के खेत में ज्यादा लगा रखा। और उसका आपका ऑब्जेक्ट ये है कि वो बाहर ही फ्रूट फ्लाई को आप ज्यादा से ज्यादा रोक ले, अंदर इसलिए है कि आप मॉनिटरिंग भी कर सके और जो अंदर आ गई वो कंट्रोल भी हो जाए। ये एक यूनिक टेक्निक है। हम जनरली ये करते हैं कि जो फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं वो फील्ड के अंदर लगाते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है फ्रूट फ्लाई के मेल्स को, तो हम उसको एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं। और यदि हम बाहर ही रोक लेते हैं तो वो बेहतर है, कुछ फेरोमोन ट्रैप अंदर लगा के भी उसको कंट्रोल भी कर लें और साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी हो जाए, ताकि वो आ जाए तब उस टाइम हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड से उड़ने वाला इंसेक्ट है, इसका कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि उड़ने वाला है,